मैं इस वक्त देवना, मेरे एसोसिएट हैं, मेरे साथी हैं, बॉम्बे टोकर्स में भी और भी जगह पे ये सामने बैठे हैं, उनकी माँ है, तो उनको मिलना अपने आप में थोड़ा आनंददायक रहा। इनके जो पति थे पंडित ओम प्रकाश चौरसिया, एक महान संतूर वादक थे और हरप्रसाद चौरसिया के रिश्तेदार थे। तो यहाँ भी भोपाल भी आके कई प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा हूँ, कई मुलाकातें, कई यादें। और सबसे बड़ी बात है, जो दुखद घटना यहाँ पे हुई आज से 39 साल पहले, यूनियन कार्बाइड के अंदर जो गैस लीक हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, 5-5.5 लाख लोग अपाहिज हो गए, लाखों लोगों ने डर की वजह से भोपाल छोड़ा, कोई इंदौर चला गया, कोई होशंगाबाद गया। वहाँ पे उस दरमियान जो देवना की माँ, इनके सगे चाचा, क्या बोला, डॉक्टर एनपी मिश्रा, डॉक्टर एनपी मिश्रा डॉक्टर थे, वो बाहर गए और परिवार को छोड़ के वापस आए। और उस गैस कांड में उन्होंने इतना काम किया लोगों बचाने का, जितने लोग मर गए कई लोग बचाने का भी काम किया, जैसे मृत्यु भी हुई तो कई लोग जाने बची है। उसमें डॉक्टर एनपी मिश्रा का बड़ा योगदान रहा है उस दौर में, यानी 1984 दिसंबर जनवरी के दरमियान की बात है। और उस दरमियान उनको जो काम किया था, उनको मरणोपरांत कुछ समय पहले उनको पद्मश्री मिला। यानी अगर दुखदाई हादसा होता है तो ईश्वर बचाने के लिए ईश्वरीय रूप में किसी को भेजता है, कोई मानव हो, लेकिन ईश्वर का ये अंश होता है। तो ऐसे महानतम लोगों के बीच में बैठने का उठने का मौका मिलता है, तो हम भाग्यशाली है मानव जाति के, उन लोगों ने मानव जाति काम किया। और धन्यवाद है, अब दरमियान यहाँ पे थी, और देवना की, हमारे प्रिय देवना की माँ है, देवना भी बहुत पूरे तरीके से समर्पित है कला के लिए, आर्ट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।